गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू जीके टिक्स अड्डा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये हमारी डेली 10 स्टैटिक जीके की सीरीज़ है जिसमें हम 10 स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो बताइए, गांधी जी द्वारा अजात शत्रु किन्हें कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु गांधी जी कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि हम सभी को पता है, ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी तब इसके ये प्रेसिडेंट भी थे। और ये ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने कंटिन्यू 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला, 1952 से 1962 तक के ये राष्ट्रपति रहे थे। और लाला लाजपत राय जी, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। 1907 में जब सूरत कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का 2 भागों में बंटवारा हो गया था जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं, जिसमें के 2 दल अलग अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल। तो ये लाला लाजपत राय जी गरम दल के हिस्सा बने थे। गरम दल में मुख्य तौर से 3 नेता शामिल थे जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। और उसी तरह नरम दल में भी 3 लोग शामिल थे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। और 1928 की बात है जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गलती से जेम्स स्कॉट को मारने के बजाय संडोस को मार देते हैं और उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस चल जाता है। और उसी के तहत 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी जाती है जिसे हम शहीद दिन के दिन से भी मनाते हैं। और भगत सिंह जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था व्हाई आई एम एथिस्ट। व्हाई आई एम एथिस्ट नाम से इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। साम्राज्यवाद का नाश हो और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये 2 नारे भी भगत सिंह जी के थे। और वैसे बात करी जब बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इन्होंने 1916 में होम रूल की शुरुआत की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, ये इनका एक प्रमुख नारा था। यह ऐसे पहले कांग्रेस नेता थे जो जेल गए थे। और ये 2 न्यूज़पेपर भी निकालते थे जिसका नाम था केसरी और मराठी। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में आता था और मराठी नाम का न्यूज़पेपर वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। तो चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, नई दिल्ली स्थित पुरानी भारतीय संसद के मुख्य वास्तुकार कौन थे, यानी कि चीफ आर्किटेक्ट कौन थे ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर एडविन लुटेंस और सर हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने मिलकर पुरानी पार्लियामेंट को बनाया था। और बात करें एडविन लुटेंस जी की, तो इन्होंने पार्लियामेंट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की भी डिज़ाइन दी थी। और अभी हम सब लोगों को पता है कि नई इंडियन पार्लियामेंट बन चुकी है जिसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी है। और आप सभी को पता ही होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, तो इसकी डिज़ाइन जॉर्ज विटेट ने की थी। और जो पुरानी पार्लियामेंट है यह 1927 में बनकर तैयार हुई थी। और वैसे बात करें अभी नई पार्लियामेंट की, तो उसका इनॉग्रेशन 28 मई 2023 में अभी अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ था। 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली है 971 करोड़ से बनी हुई नई पार्लियामेंट है जिसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये ट्रायंगुलर शेप में है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1272 इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, जिसमें के 888 तो ये लोकसभा सीट है और 384 राज्यसभा हाउस की सीट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? तो गाइज, वैसे इसमें देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक एज निर्धारित नहीं की गई है। बस इसमें कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और बात की जाए लोकसभा के सदस्य बनने की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी लगती है, जो कि सबसे पहले कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिलेक्ट किया गया है लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो
तो उसे 6 महीने के अंदर में किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो इंसान 6 महीने तक मेंबर नहीं बना तो उसे प्राइम मिनिस्टर पद से हटाया भी जा सकता है। तो याद रखिए इन्हें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए साक्षी मलिक ये किस खेल से संबंधित हैं? तो आपने अभी करण में नाम सुना ही होगा साक्षी मलिक जी का, बहुत जो कि दिल्ली में रेसलिंग प्रोटेस्टर है उनमें एक शामिल है। तो रेसलिंग से पता ही चल गया होगा कि कुश्ती यानी कि रेसलिंग की खिलाड़ी है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, और इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी हाल ही में पिछले साल 2022 में बिरमिंगम कॉमनवेल्थ गेम में 62 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता था। और आप लोगों ने सुना ही होगा रेसलर के प्रोटेस्टर में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी रेसलिंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। हर साल हम 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, मलेरिया डिसीज़ के अवेयरनेस के लिए ये दिन हम हर साल मनाते हैं। और 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, और उसी के साथ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और हमने पिछले वीडियोस में जैसे डिस्कस ही करते आ रहे हैं कि 7 नवंबर को मनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे तो मनाते हैं 7 नवंबर को, इसी के साथ मनाते हैं 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये भी याद रखते चलिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, यानी कि मुस्लिम इन्वेजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्वी सन 712 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1911 में फर्स्ट तुर्की आक्रमण सुबकतगिन द्वारा किया गया था राजा जयपाल के खिलाफ, और 998 में सुबकतगिन के मरने के बाद महमूद गजनी राजा बना और इसने 1030 तक के राज किया, और इसने अपने शासनकाल में टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। और 1025 के दौरान गुजरात में जब चालुक्य वंश के राजा भीमवन का राज था तब इसने सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हमला करके किया था। और महमूद गजनी ऐसा पहला शासक था जिसे अब्बासी खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि दी थी। और 1191 में हम सभी को पता है तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हो गई थी। और उसी के अगले साल 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, और इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो याद रखिए इन्हें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रस लेमन। तो गाइज इसमें देखिए साइट्रस, साइट्रस यानी कि खट्टा, खट्टे से इसे रिलेट कर सकते हैं लेमन, और इसके नाम में लेमन भी आ रहा है तो इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं लेमन। तो लेमन का साइंटिफिक नेम हो जाएगा साइट्रस लेमन। और पायरस मिलस जैसे कि पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं मैला कलर से, पायरस मिलस किसका था? सेब का। और मैंगी फेरा इंडिका का था मैंगो का, और एलियम सेपाए वो था प्याज का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए इनमें से किसे भारत रत्न से कभी सम्मानित नहीं किया गया था, नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को कभी भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न से अब तक 48 लोगों को नवाजा गया है, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी शामिल हैं। 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो हम सभी को पता ही है कि वो सोशल रिफॉर्मर थे, और भारत के संविधान के लिए बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, और आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। और 14 अक्टूबर 1956 में, 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ में नागपुर में बुद्ध धर्म को अपनाया था। और नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में एक्टिविस्ट थे जो कि गांधी जी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे, और 1994 से 1999 तक 5 साल तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे थे। इन्हें अक्सर गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका से भी जाना जाता था। और बात करें अब्दुल गफ्फार खान जी की तो ये ऐसे पहले विदेशी आदमी थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये पाकिस्तान के थे, पार्टीशन से पहले ये भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कार्यरत थे जो कि एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे, और ये महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
1920 में खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि अभी पाकिस्तान में, वहाँ पर 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। और बात की जब भारत रत्न की तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, तो 1954 में दिया गया था सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन जी को। सी राजगोपालाचारी ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। और सी वी रमन जी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के खोज के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था। और 1971 में पहली बार किसी महिला को भारत रत्न मिला था, जो कि थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 1971 में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए रशिया देश की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को ये रशिया की राजधानी है। और बात की जाए रशिया की तो ये रहा मैप में रशिया, ये रहा अपना प्यारा भारत इंडिया, और ये रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और उसकी कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबल है, और व्लादिमीर पुतिन जी इसके राष्ट्रपति है। तो हम 5 देशों की कैपिटल एंड करेंसी भी देख लेते हैं। तो ये रही 5 देश की कैपिटल और करेंसी, तो इसको हम याद कर लेते हैं डेली की तरह। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक लाइन में याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम। और उसी तरह से रसिया मॉस्को रूबल, रसिया मॉस्को रूबल। चिले सेंटियागो पेसो, चिले सेंटियागो पेसो। ताजिकिस्तान दुशानबे सोमोनी, ताजिकिस्तान दुशानबे सोमोनी। कजाकिस्तान अस्ताना टिंगे, कजाकिस्तान अस्ताना टिंगे। तो ऐसे ही डेली रोज हम 5 कैपिटल एंड करेंसी डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी के लिए बढ़ते आगे, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी 10वां क्वेश्चन। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये रहा मैप में राजस्थान, राजस्थान पहले नंबर पे, और मध्य प्रदेश ये दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश ये टॉप पे है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम एरिया की, तो एरिया के हिसाब से राजस्थान ये टॉप पे है। तो राजस्थान का एरिया 342,239 किलोमीटर स्क्वायर का है। इतना बड़ा राजस्थान का एरिया है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट सबसे बड़ा है। और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो जयपुर, और इसके सीएम है अशोक गहलोत, और कलराज मिश्रा इसके गवर्नर हैं। और वैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी इसके सीएम है, और मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर हैं, और रमेश बैस इसके गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश का तो हम सभी को पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और आनंदीबेन पटेल जी इसकी गवर्नर है। अब बात आई राजस्थान की, तो और कुछ भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान की टोटल 8 साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरौन का किला, अंबर का किला और जैसलमेर का किला। इन किलों को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, और किवलादेव नेशनल पार्क को 1985 में इंक्लूड किया गया था। वैसे ही जयपुर का जंतर मंतर उसको 2010 में इंक्लूड किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो ये कल आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा गया था, काकसर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये एक लोक नृत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पंचतंत्र सिद्धांति का पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपना आंसर कमेंट करें और ज़रूर बताएं। तो गाइज ये हुए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं, और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।